भाई आज आपके सामने मिनी रेंज रोवर। भाई रेंज रोवर से ये गाड़ी बिल्कुल भी कम नहीं है। इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस नेक्स्ट लेवल रहने वाली है, क्योंकि एक तो ब्लैक कलर हो गया, ऊपर से डार्क एडिशन। इस गाड़ी की जितनी तारीफ करे उतनी कम है, क्योंकि ये दिखने में बहुत यूज सी लग रही है, मस्कुलर लग रही है, और साथ में आपको एक अच्छी रोड प्रेजेंस ये रोड पर देने वाली है। रियर प्रोफाइल से देखो गाड़ी ये कितने अट्रेक्टिव लुक दे रही है, क्योंकि भाई क्रैफ्टेड टेल लैंप्स इसमें मिल जाती हैं। ये कौन सा वेरिएंट है, क्या क्या इसमें फीचर ऑफर किए जाएंगे, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, और आज के एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। कार को रियर प्रोफाइल से देखने से पता चल गया होगा कि कौन सी कार है। ये है टाटा हैरियर एडवेंचर डार्क एडिशन। इसका एक शोरूम प्राइस 22,24,000 रुपये पड़ता है, जो कि अपने सेगमेंट में कुछ हद तक हाई प्राइस हो जाता है। चाहे इस कार को आप ओवर प्राइस्ड बोलो या कुछ भी बोलो, पर गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है वो एक नेक्स्ट लेवल है। इस प्राइस रेंज में आपको कौन से फीचर्स ऑफर किए जाते हैं, उसके बारे में हम फुल वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो तो याद से सब्सक्राइब जरूर कर देना, से आपके पास नई नई वीडियो आती रहे। यह कार का फ्रंट लुक, दिखने में कार बहुत अग्रेसिव सी लग रही है, पर इससे पहले हम बात करते हैं कार की के बारे में। आपको सेम ऐसी मिलेगी जैसी आपको पहले ऑफर की जाती थी, जिसमें आपको लॉक, बूट ओपनर, फॉलो मी हेडलैम्प और अनलॉक के बटन मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको कनेक्टेड डीआरएल्स और उन्हीं के नीचे आपको पियानो ब्लैक की फिनिश ऑफर की जाती है। डीआरएल्स में ही आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। क्रोम फिनिश के साथ आपको टाटा का लोगो और न्यू डिजाइन की ग्रिल मिलेगी। यहाँ पे आपको कैमरे की प्लेसिंग फ्रंट में ऑफर की जाती है, और फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर किए जाते हैं। इतनी अट्रैक्टिव लुक के साथ आपको टाटा की कार्स ऑफर की जाएंगी, भाई ये सोचा नहीं था। आपको ये कार कैसी लग रही है, अपना ओपिनियन भी शेयर करना है। यहाँ पे आपको एलईडी में प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसमें ऑफर किए जाते हैं, और इसी के नीचे आपको फॉग लैंप भी मिल जाते हैं। तो आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश और यहाँ पे आपको डल ब्लैक में बम्पर में फिनिश मिलती है। न्यू डिजाइन के आपको इसमें अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, और इसके अगर डायमेंशन की बात करें तो लेंथ इसमें ऑफर की जाती है 4605 mm, जो कि कार दिखने में बहुत ह्यूज सी लग रही है। विड्थ आपको इसमें ऑफर की जाती है 1922 mm, और हाइट आपको इसमें मिलती है 1718 mm, और 2741 mm का इसमें आपको व्हील बेस मिलेगा। इसमें बढ़िया दी गई है, देखते हैं कार अपनी कैसी आई बनाएगी। यहाँ पे आपको डार्क की बैजिंग मिलेगी, प्रोफाइल में भी आपको हैरियर की बैजिंग मिल जाती है। MRF के टायर्स और इनके टायर प्रोफाइल की बात करें तो 235/60R19 की मिल जाती है। ये डार्क एडिशन पे ये मशीन डल है बहुत सूट कर रहे हैं, पर भाई दिखने में भी कुछ डिफरेंट से लग रहे हैं। अब चलते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल में, रियर प्रोफाइल आपको कैसी देखने को मिलेगी ये देखो भाई। ये है गाड़ी की रियर टेल लैंप, अभी मैं ग्लो करके दिखाता हूँ। ये कुछ आपको ऐसे डिजाइन में गाड़ी के कनेक्टेड टेल लैंप्स दिखेंगे, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर भी इसमें मिल जाते हैं। फुल एलईडी कनेक्टेड टेल लैंप्स है। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग बल्ब मिलेगा। यहाँ पे मिल जाती है आपको बड़ी सी हैरियर की बैजिंग। ये देखो भाई गाड़ी रियर प्रोफाइल से दिखने में कितनी वाइड सी लगती है। यहाँ पे आपको वॉशर नोजल और सेंटर हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता है। शार्क फिन एंटीना, रियर वाइपर और रियर डिफोगर भी आपको इसमें मिल जाता है। डल ब्लैक में आपको रियर बम्पर इसमें ऑफर किया जाता है। यहाँ पे आपको दो पार्किंग सेंसर इसमें देखने को मिलेंगे, और बम्पर के ठीक नीचे आपको न्यू डिजाइन की स्किड प्लेट इसमें ऑफर की गई है। बूट के मिडिल में टाटा का लोगो क्रोम फिनिश के साथ, उसी के नीचे आपको कैमरे की प्लेसिंग भी मिल जाती है। 445 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिलेगा, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया है। इसी के साथ आपको पार्सल ट्रे भी इसमें ऑफर की जाती है। देखो यहाँ पे आपको इसमें कवर ही ऑफर किया जाएगा, जिससे आपको लगेज उठाने में आसानी रहे। यहाँ पे आपको कोई भी स्पेयर व्हील नहीं देखने को मिलेगा। येलो कलर में आपको बूट लैंप मिलेगा, और इसी के साथ 2 kg कैपेसिटी के साथ आपको यहाँ पे हुक भी दिया गया है। तथा कार में ये और भी अच्छा बूट कर सकते थे, पर नहीं, आपका सामान इजिली कैरी हो जाए इसलिए ये ऐसा आपको फ्लैट मिलता है। सेफ्टी में तो वाइट टाटा की कार्स एक नंबर रहती हैं। तो अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर, इंटीरियर आपको कैसा देखने को मिलता है। वैसे नो डाउट गाड़ी का इंटीरियर भी आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है। इसमें आपको यहाँ पे डोर हैंडल में ही रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। यह कार का इनर डोर पैनल, और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर भी इसमें ऑफर किया जाता है। इनर डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। यहाँ पे आपको ऑल पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं। ब्लैक कलर में आपको सॉफ्ट टच की फिनिश भी डोर पैनल में दी गई है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM मिरर, ऑटो फोल्ड भी ये आपको मिल जाते हैं।
डोर्स में आपको बोतल होल्डर के साथ अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स में नहीं ऑफर की जाती, मैनुअली एडजस्टेबल आपको सीट्स में ऑफर की जाती है। लेदर रेटेड सीट मिलेंगी, वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिसिंग रहने वाला है। इसी के साथ आपको हाइट एडजस्टेबल सीट भी इसमें ऑफर की जाती है। यह है भाई कार का स्टेयरिंग व्हील, जिसमें आपको इल्यूमिनेटेड लोगो भी टाटा का मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और ये वाला भाई ऐसे कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शो होता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पसंद आया या फिर आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पसंद आता है, कमेंट करके जरूर बताना। सेंटर कंसोल में आपको टच पैनल मिल जाता है, साथ में आपको ब्लू कलर की एम्बिएंट लाइट मिलेगी। 360 व्यू कैमरा ऑफर किया जाता है, 2D और 3D दोनों में ही ये आपको मिल जाता है। और देखो कैमरे की क्लियरिटी भी कितनी बढ़िया है, फुल साइड से आपको गाड़ी का व्यू दिख जाता है, कितनी रेशो में कितना आपका स्पेस बचा हुआ है। ऑटो होल्ड ऑटो पार्किंग ब्रेक मिल जाते हैं और साथ में आपको पैनोरामिक सनरूफ भी इसमें देखने को मिलती है। रूफ की बॉर्डर में आपको एम्बिएंट लाइट भी इसमें ऑफर की जाती है। ये गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील तो बहुत ही प्रीमियम सा लग रहा है। पर इससे पहले बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, फुली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल मिलेंगे और राइट साइड में आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिलेंगे। इसी के साथ आपको ऑटोमेटिक वाइपर और ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑफर किए जाते हैं। हॉर्न को प्रेस करने के लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत इसमें करनी पड़ेगी, बाकी स्टीयरिंग व्हील बड़ा ही प्रीमियम मिलता है। यहाँ पे आपको ना हो कि एयरबैग यहाँ से डिप्लॉय हो और आपके फेस को इंसर्ट कर दे। मल्टी फंक्शन आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगा और साथ में आपको लेदर की फिनिश मिल जाती है। इसी के साथ बड़ी सी स्क्रीन के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले भी मिल जाते हैं। यहाँ से आपको एम्बिएंट लाइट भी इसमें देखने को मिल जाती है। एक यूएसबी पॉइंट और एक फास्ट चार्जिंग पॉइंट आपको इसमें मिल जाता है। यह इसका रोटर और 3 ड्राइविंग मोड आपको इसमें ऑफर किए जाते हैं। यह है गाड़ी का गियर नॉब, ग्लॉसी फिनिश में आता तो बहुत अच्छा लगता है, पर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे आपको ऑटो होल्ड और पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक मिलते हैं। यहाँ पे आपको कप रखने के लिए कप होल्डर रेस्ट भी इसमें मिल जाता है। गियर नॉब अगर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में होती तो बहुत अच्छी लगती। ड्राइवर साइड सनवाइजर में टिकट होल्डर मिसिंग रहने वाला है। को पैसेंजर साइड सनवाइजर भी आपको सिंपली ऑफर किया जाता है। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट इसमें ऑफर की जाती हैं। कार की रूफ भी आपको डार्क कलर में ही देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और एम्बिएंट लाइट भी देखने को मिलती है। ये था कार का फ्रंट कैबिन, अब चलते हैं कार के रियर कैबिन में, कैसा स्पेस आपको कार के रियर कैबिन में ऑफर किया जाता है। डोर पैनल आपको सेम मिलेगा, जिसमें आपको बोतल रखने के लिए स्पेस मिलेगा। इंटीरियर भी बाकी बहुत ही स्पेसियस है। यहाँ पे आपको फोन रखने के लिए स्पेस मिलता है और एक यहाँ पे सी टाइप पॉइंट और एक यूएसबी पॉइंट इसमें देखने को मिल जाता है। मिडिल में आपको हम्प मिलता है, व्हाइट एलईडी के साथ आपको रियर कैबिन लैंप इसमें देखने को मिल जाते हैं और इसी के साथ आपको इसमें रियर सनसेट भी मिल जाते हैं। रियर डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश के साथ ऑफर किए जाते हैं, जिनमें आपको ग्लॉसी ब्लैक की भी फिनिश मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिलते हैं रियर एसी वेंट्स, जो कि आपको मिडिल में ना देके यहाँ पे आपको टी पिलर्स में दिए गए हैं, ताकि एयर वेंट्स का फ्लो बहुत अच्छी तरीके से हो। मिडिल में आपको हम्प मिल जाता है, हम्प की वजह से थर्ड पैसेंजर को बैठने में प्रॉब्लम होगी। और रियर में आपको दो हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट ही ऑफर किए जाते हैं। रियर सीट 60-40 रेशो में स्प्लिट हो जाती हैं। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में ग्रैब हैंडल और इनमें आपको एक हुक भी मिल जाता है, जहाँ पे आप अपना कोई भी सामान कैरी कर सकते हो। केबिन कार का बहुत स्पेसियस है, क्योंकि आपको लेग रूम और हेड रूम बहुत अच्छा ऑफर किया जाता है, साथ में अंडर थाई सपोर्ट भी इसमें बहुत अच्छी मिल जाती है। ऑल डोर्स में आपको स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। अभी मैं आपको इसके डोर पैनल में एक चीज दिखाने वाला हूँ, जो कि आपको रियर डोर पैनल में भी ऑफर किया जाता है, एलईडी रिफ्लेक्टर, जो कि आपको रात के समय में बहुत यूजफुल रहता है, क्योंकि गाड़ी का डार्क एडिशन है, इतना विजिबल नहीं हो पाता। जैसे ही गाड़ी का डोर पैनल खुलता है तो ये एलईडी ग्लो हो जाती है। इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें मिलता है आपको 2.0 लीटर क्रियोटैग इंजन करता है, 167 bhp के साथ 350 Nm का टॉर्क। कार आपको कैसी लगी और इस प्राइस रेंज में ये कार आपको और प्राइस लगी या नहीं लगी, वो भी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।